भगवान कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारता, तू मेरी शरण आ जा सर्व भाव से, शरीर से जो करे मुझ परमेश्वर अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए। भोजन मजा लेने के लिए नहीं करो, ये शरीर स्वस्थ रहे और भगवान के सेवा कार्य हो, भगवान की भक्ति। मन से जो चिंतन करे तो भगवत संबंधी चिंतन मिला दो। बुद्धि से जो निर्णय करे कि सभी के प्रेरक प्रकाशक कर्म के फलदाता ईश्वर है, बस। और ईश्वर सभी के हैं और बुद्धि का अधिष्ठान ईश्वर है। जैसे गहनों का आधार सोना है, तरंगों का आधार पानी है, ऐसे ही मिठाइयों का आधार शक्कर है, मिठास। ऐसे ही सारे ब्रह्मांडों में जगतों में जगत आधार भगवान है। शक्कर में तो खाली मिठास है, लेकिन भगवान तो उस मिठास भरने वाली पृथ्वी में भी गंध रूप से सत्ता रूप से भरे हैं। जल में स्वाद रूप भगवत सत्ता है, अग्नि में दाहक सत्ता भगवत सत्ता है, पक्षियों में किलोलनी सत्ता भगवान की सत्ता है। तोते को हरा रंग कहां से लाकर किसने डाला होगा, तोता हरा कैसे बनाया, तेरी लीला अपरंपार है। और मोर नीला कैसे, और मोर के एक एक पंख में क्या कला और क्या कौशल्य और कारीगरी किसी साइंटिस्ट ने भरी है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। हंस और बतख सफेद कैसी बनाई स्वच्छ है, हे परमेश्वर तेरी कैसी लीला है। एक बूंद पानी से सेठ साहूकार डॉक्टर नेता बने और हमारा करे, हंसते खेलते रोते रवड़ते आखिर मर गए और ऐसे कई रोज पैदा होते लीन होते, कैसी तेरी लीला है। तेरी लीला तो ही जाने, हे जग के पालनहार नारायण नारायण, नर नारी का तू अयन है इसीलिए नारायण। हरि तू पाप ताप हरने वाला है, अपनी माया के प्रभाव को हर के भक्त का भला करने वाला है इसलिए हरि है। गोविंद गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों को सत्ता देने वाला तू ही आत्मदेव परमेश्वर, तू गोविंद है। गोपाल इंद्रियों का पालन पोषण करने वाला भी तू ही है, नेत्रों को स्वास्थ्य देने वाला, जीव को इंद्रियों को तू गोविंद है, तू गोपाल है, तू अच्युत है। तेरे अनंत नाम अनंत काम, फिर भी प्रभु तेरी महिमा का कोई पार नहीं। नारायण ओम ओम ओम। शांत हो गए, फिर मन इधर उधर जाए, कभी मन ना लगे तो ऐसा दो बार श्वास लेके ऐसा ऐसा करके फिर बैठोगे तो मन लगे। कभी जीवन रसायन पुस्तक है, ईश्वर की ओर है, रामायण है, भागवत है, गीता है, पढ़ते पढ़ते जहाँ अच्छा आनंद आया शांति आई वहाँ चुप हो गए, फिर मन इधर उधर गया, फिर ग्रंथ पढ़ा नहीं तो भगवान का नाम लिया। लंबा श्वास लो तो हरि ओम जब बोलेंगे ना, तो माँ जब बोलोगे तो होठ बंद कर देना। हाँ हरि ओम थोड़ी देर के लिए मन भगवत शरण आ जाएगा शांति में, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर उच्चारण करो रियो। भगवान के सामने देखो, ओमकार को देखो, गुरु को देखो, किसी चीज को एक टक देखते जाओ और फिर शांत होते जाओ, बड़ा सरल हो जाएगा। एक बार मन की, लोग बोलते हैं महंत हमारा ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तुम्हारे मन में हजार हजार अवगुण है हमने मान लिया, लेकिन दो बड़े भारी गुण है। मन को जहाँ चस्का लगता है वहाँ अपने आप जाता है। पान मसाले का चस्का लगा तो देखो कैसा करता है, लवर लवरी का चस्का लगा तो माँ की बाप की पड़ोसी की अपनी इधर उधर की कोई बात को नहीं करते और लवर लवरी अपना रजिस्टर मैरिज कर देते, चस्का लग जाए।
किसी को सट्टे का चस्का लग जाता है, दारू का चस्का लग जाता है, मन को चस्का लगता है, फिर कितना कुर्बानी करके भी वो चीज खाता है पीता है। अफीम चीज, अफीम का चस्का लग गया तो कैसे खाते है? तो मन में एक सद्गुण है, जब नश्वर का चस्का लगता है तो नाश के तरफ ले जाता है, शाश्वत भक्ति रस का चस्का लगा दो तो शाश्वत प्रभु तक ले जाने का सद्गुण भी इसका उपयोग में ला लो भैया।